कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने आगामी 5 सालों में रीवा के विकास के लिए अपना सशक्त एवं समृद्ध रीवा के नाम से डॉक्यूमेंट विजन जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनार्दन मिश्र के सामने एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की है। भाजपा को भी अब अपना डॉक्यूमेंट विजन जारी करना चाहिए, जिससे कि रीवा की जनता तय कर सके कि आगामी 5 सालों में दोनों बड़ी पार्टियां रीवा को लेकर क्या सोचती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी मनगवा की सभा में कहा था, रीवा की जनता अगर कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी को लोकसभा में भेजती है तो मध्य प्रदेश सरकार भोपाल की जगह रीवा से चलेगी। उनके कहने का मतलब था, भले ही रीवा ने उन्हें एक भी विधायक नहीं दिए, फिर भी वह रीवा को पहली प्राथमिकता देते हैं। वह चाहते हैं रीवा का विकास छिंदवाड़ा की तर्ज पर हो। इसी के चलते विजन रीवा के नाम से कांग्रेस प्रत्याशी ने सशक्त एवं समृद्ध रीवा का निर्माण करने का निश्चय करते हुए अपना डॉक्यूमेंट जारी किया। उनके निशाने पर सबसे पहले शिक्षा रही। कांग्रेस रीवा में शहीद स्मारक हवाई सेवाओं में विस्तार कर सुविधा युक्त रीवा बनाकर क्रमबद्ध विकास करना चाहती है। कला संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में साथ ही रीवा को पर्यटन हब बनाकर रीवा में व्यापार के नए आयाम स्थापित करना चाहती है। माना जा सकता है रीवा विजन पढ़े लिखे आदमी का वजन है। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने अपना डॉक्यूमेंट विजन जारी करके नया यह बताने की कोशिश की है, रीवा का विकास ना होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ के युवाओं को रोजगार और काम ना मिलना है। 15 साल में रीवा में ना तो कोई उद्योग धंधा लगा, ना ही कोई बड़ा शिक्षण संस्थान रीवा में आया। मुद्दा सिर्फ रीवा है, इस चुनाव की जाति सिर्फ रीवा है और इस चुनाव का धर्म सिर्फ रीवा है। एक मोटी बात हम लोगों को समझना चाहिए कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में देश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनता है और वो 543 लोग मिलकर के निर्धारित करते हैं कि प्रधानमंत्री या लीडर ऑफ ऑपोजिशन एटसेट्रा कौन होगा। बीजेपी की जो कैंपेन है रीवा में, उसमें जनार्दन मिश्रा जी अपना चेहरा दिखाने से बहुत डरते हैं। जनार्दन मिश्रा जी एक ऐसे सांसद हैं जिनको रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी की बैसाखी चाहिए और दिल्ली में मोदी जी की बैसाखी चाहिए। इनका पूरा का पूरा राजनैतिक जीवन 35 वर्ष का जो भी होगा, 65 साल के करीब हैं, पूरा का पूरा जीवन इनका दूसरों के मध्य रहा है। जो इंसान हर जगह बैसाखी चाहता हो वो जिले का क्या विकास कर पाएगा। आज बहुत सारे सवाल जिला पूछ रहा है। जनार्दन मिश्रा जी को जिले ने 1,65,000 वोट से जिता करके भेजा, दिल्ली में क्लियर मेजोरिटी की सरकार बनवाई। इतनी मजबूत सरकार दिल्ली में पिछले 30 साल में कभी नहीं आई। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की क्लियर मेजोरिटी की सरकार भोपाल में बनवाई। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक जनार्दन मिश्रा जी की सरकार थी, लेकिन रीवा के लिए एक नए पैसे की योजना वो लेकर के नहीं आए। लोग बोलते हैं कि हम काम कैसे करें, हमारी सरकार नहीं है। इनकी दोनों तरफ सरकार थी और इसके बाद भी ये रीवा के लिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं है कि थोड़ा सा बौखलाए हुए इंसान की बात है कि रवसर में रह गए। एलिगेशन साहब, मेरे पूरा एफिडेविट सामने हैं। जनार्दन मिश्रा जी प्लीज लेके आए जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मेरे स्वर्गीय बाबा और मेरे स्वर्गीय पिताजी के ऊपर कीचड़ वो उछाल सकते हैं। उनको वैसे भी जूता मारने की आदत हम सब ने सुना है, तो वो जूता उनको भी शायद मारना चाहेंगे। हो सकता है जूता मुझे भी मारना चाहें। वो मैं सौम्यता से प्रयास करूंगा कि मुझे जूता वो ना मारे। और जहां तक किसी भी चीज की बात है, मैंने एक इलेक्शन एफिडेविट दिया है, उसको उठा लें। और उनको लगता है कुछ भी गलत है, चुनाव निरस्त करा दें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वॉक ओवर है, जीत के जाएं। बीजेपी पूरा कैंपेन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। आदमी जो गलत होता है उसको डिफेंड करना पड़ता है, तो डिफेंड जनार्दन मिश्रा जी को करना पड़ेगा कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि रीवा का चुनाव है रीवा के युवा और किसान का चुनाव है। मोदी जी तो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिसको वोट डालना होगा मोदी जी को बनारस में डालेगा। हम लोग मतदाता रीवा के हैं और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें जनार्दन मिश्रा जी भाग नहीं सकते हैं। उन्होंने क्या काम 5 साल में किया उनको लोगों को बताना पड़ेगा। और जनता हर जगह पूछ रही है उनसे जाके और पूछेगी। और जनता को इतना मूर्ख ना समझे कि वो अपने सांसद का इवैल्यूएशन नहीं करेगी, उनकी गुणवत्ता देखेगी और पूछेगी और 6 तारीख को पता लगेगा।